हे भगवान, बर्तनों का तो ढेर लगा पड़ा है, घर भी फैला पड़ा है। लगता है वो काम वाली ही नहीं आई। कहाँ रह गई तू? क्यों नहीं आई अभी तक? तुझे पता है ना सारा काम पड़ा है, क्यों नहीं आएगी? देख, तुझे है ना सारी पता है कि ना मुझसे बर्तन होते हैं ना झाड़ू पोछा होता है, सारा पता होते सोते भी तू ऐसे कर रही है। देख, मुझे नहीं पता, चेक कैसे भी कर, या तो तू आ या फिर किसी को भेज। ये गुस्सा किस पे उतार रही है? तू पहले नहीं बता सकती थी? मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लेती। तुझे मेरी सारी पता है कि मेरी गर्दन में दर्द है, ना मेरे से झाड़ू पोछा होता है ना बर्तन होते हैं। देख, मुझे कुछ नहीं पता, या तो तू आ या फिर किसी को भेज। आज आएगी नहीं, मुझे तो लगता है ये महारानी तो कुछ करेगी नहीं। मुझे घुसना पड़ेगा काम में, इससे पहले ये कुछ बोले मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में मेरे बस का तो है नहीं काम करना। देख, तूने ठीक नहीं किया, जब तू आएगी ना तब बात करूंगी तुझसे मैं। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक हो? अरे बहू, जब आ रही थी तो गली में केले का छिलका पड़ा था, उसी पे पैर फिसल गया और कमर में लचका आ गया। बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ घर तक। मम्मी जी आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए दवाई ले आती हूँ, दवाई लगा देती हूँ मैं आपको। चलो, काम तो हो गया, अब लेट जाओ थोड़ी देर, चक्कर आने को हो रहे हैं मुझे तो। अरे बहू, तेरा काम हो गया हो तो चाय बना दे, चाय का टाइम हो गया है। ला रही हूँ मम्मी जी। कैसी है लाडो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाओ, भाभी कैसी हैं? ठीक है, काम में लगी पड़ी है। काम में लगी हुई है? ऐसा क्या काम हो गया जो अभी तक नहीं निपटा? अरे वो काम वाली नहीं आई, और वो तो कह रही थी 3-4 दिन नहीं आएगी, कहीं जाना होगा उसे। अरे मम्मी बस पूछो मत, काम वालियों के हो भी इतने नखरे गए हैं। पहले तो मेरे यहाँ भी लगी हुई थी, मैंने तो हटा दी। एक तो उनके 100 नखरे, और ऊपर से काम भी ढंग से नहीं करती थी। हाय राम, तो सारा काम तो अकेले ही करती है? बताओ, तू तो बेटा सारा दिन लगी रहती होगी, तू ही पिसती होगी काम में। अरे नहीं मम्मी, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरे तो सारे कामों में हेल्प करवा देती हैं। वो सब्जी कटवा देंगी, दूध उबाल देंगी, दूध भी लेके आना होता है वो भी ले आती है नीचे से, और तो और कपड़े सुखवा देंगी, कपड़ों की तह भी बना देंगी। अरे मम्मी बहुत कामों में मदद करवाती हैं वो तो मेरी। हम तो दोनों मिलजुल के काम कर लेते, काम के पता भी नहीं चलती। जैसे आप हो ना मम्मी, बिल्कुल वैसी हैं वो। हाँ मुझे पता है, आप भी तो मदद करवाती हो भाभी की वैसे ही। अच्छा मम्मी, मम्मी जी आवाज दे रही हैं, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, ठीक है? आप अपना ध्यान रखना, और हाँ भाभी को मेरा नमस्ते बोल देना, ठीक है? ठीक है। आई मम्मी जी। मम्मी जी वो कल की दही रखी है, उसकी कड़ी बना दूं? तू रहने दे। मैं बनाऊंगी कड़ी। मम्मी जी आप? हाँ क्यों, मैं बना नहीं सकती? नहीं मम्मी जी आपके वो, अब कैसा गर्दन का दर्द तेरा? मम्मी जी अभी तो ज्यादा आराम नहीं है। चल मैं दवाई लगाती हूँ, तू आराम कर ले।